जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में कागज न हो तो क्या होगा। शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी को पैगाम भेजना हो, अपने मन की बात कहनी हो, और भी बहुत सारे कामों में हमें कागज की आवश्यकता तो होती ही है। पिछले 4 दशकों में कागज का उपयोग लगभग 400% तक बढ़ गया है। पूरी दुनिया में हर रोज 80,000 से 1.5 लाख तक पेड़ सिर्फ कागज बनाने के लिए ही काट दिए जाते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत ही चिंता का विषय है। भारत में भी कागज की मौजूदा खपत लगभग 16 टन प्रति वर्ष है। पिछले कुछ सालों से कागज की खपत लगभग 6% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो कि पर्यावरणीय संकट के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही हर साल 9 लाख टन कागज की खपत हो जाती है, तो जरा सोचिए कि हमारे दैनिक जीवन में अन्य क्षेत्रों में कागज की कितनी खपत होती होगी। सुबह से रात तक हम हमारे विभिन्न कामों के लिए कागज पर निर्भर हैं। कागज बनाने के लिए इसी तरह से यदि पेड़ों की कटाई होती रही तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पर्यावरण का क्या हश्र होगा। पेड़ों के बिना हमारा जीवन चक्र कैसे और कब तक चलेगा? तो आखिर ऐसा क्या उपाय किया जाए कि कागज निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई रोककर हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकें और वातावरण को भी शुद्ध रख सकें? तो इसका एक ही जवाब है, हस्त निर्मित कागज। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रतिदिन हमें कागज की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल में लेखन के लिए भोजपत्र और ताड़ पत्रों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले चीन में 105 एडी में हस्त निर्मित कागज का निर्माण किया गया था। भारत में 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कश्मीर में, फिर उसके बाद पंजाब और अन्य राज्यों में हस्त निर्मित कागज बनाने की कला का विकास होता गया। कहा जाता है कि 1526 से लेकर 1701 तक मुगल काल में कागज बनाने की कला संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। 18वीं से 19वीं शताब्दी आते आते कागज मिलों का निर्माण किया गया और तब से कागज हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बनकर रह गया। साल 1956 में खादी ग्राम उद्योग कमीशन ने हस्त निर्मित कागज को उद्योग के रूप में अपनाकर इसके उत्पादन क्षेत्र में ऋण और अनुदान की सुविधा प्रदान की। इससे ये लाभ हुआ कि कागज उत्पादन की जो इकाइयां हैं उनको स्थापित करने के लिए ऋण और अनुदान दोनों की व्यवस्था हो गई। लोग इनके तरफ आकर्षित हुए और 2001 और 2 में तक हमारे 3000 से अधिक यूनिट हस्तनिर्मित कागज की स्थापित हो गई, जिनमें 24 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला। मिल में बने कागज की अपेक्षा हस्त निर्मित कागज ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन हस्त निर्मित कागज बनाने में मेहनत और समय दोनों ज्यादा लगते हैं। भारत का हस्त निर्मित कागज उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा है, जो अपनी मजबूती, कलात्मकता और आकर्षण के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इसी दिशा में एक सार्थक कदम उठाया है। यहाँ हस्त निर्मित कागज बनाने का केंद्र है। इस केंद्र में हस्त निर्मित कागज का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हस्त निर्मित कागज के निर्माण की प्रक्रिया जानने से पहले इसके बारे में और भी कई बातों को समझना और जानना जरूरी है। यह इकाई वर्ष 2012 में स्थापित की गई थी, तब से लगातार ये कागज का उत्पादन इस क्षेत्र में कर रही है। हस्त निर्मित कागज मुख्यतः सेलुलोज से बनता है। कागज निर्माण प्रक्रिया में सेलुलोज के बहुत छोटे छोटे रेशे एक दूसरे से मिलकर एक समतल पृष्ठ भाग का निर्माण कर कागज बनाते हैं। यहाँ बने हस्त निर्मित कागजों एवं फाइलों का उपयोग शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अधिकतर कार्यालयों में होता है। खुले बाजार में मिलने वाले कागज और फाइलों से ज्यादा मजबूती हस्त निर्मित कागज की होती है। हस्त निर्मित कागज उद्योग की कुछ खास विशेषताएं भी हैं। जो लोग हस्त निर्मित कागज उत्पादन की यूनिट लगाना चाहते हैं, उसका सबसे पहला लाभ ये कि कम पैसे में ये लग जाती हैं। जो मशीनें इसमें चाहिए वो इंडिजिनस यानी कि सब भारतवर्ष में ही बनती हैं, कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं। तीसरे, ये जो यूनिट है वो पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। और चौथी चीज़ ये है, इसके जो उत्पाद बनते हैं वो महंगे बिकते हैं और जो लोगों को उसमें काम करते हैं उनको अधिक पैसा भी इसमें मिलता है, क्योंकि इसके उत्पाद स्ट्रेंथ भी उसमें ज़्यादा है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स का ही एग्जांपल ले लें या शादी के कार्ड ले लीजिए, हस्तनिर्मित कागज से बने हुए कार्ड सबसे महंगे बिकते हैं। तो और कोई लोग पूरी यूनिट ना लगाना चाहें तो केवल बीटर लगाकर
पल्की बिक्री करके अपनी जीविका चला सकते हैं, या उनके पास उतना भी पैसा नहीं है तो कहीं से सीट खरीद कर जो उत्पादन कर रही है कोई यूनिट, उससे कागज़ के उत्पाद बनाकर अपनी जीविका चला सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी यूनिट लगाना भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर उत्पाद बनाने में एक्सपर्ट हैं तो उत्पाद बनाकर पैसा कमा सकते हैं। पल्पर केवल आपके पास है तो पल्प या बीटर है तो बीटर बनाकर ही आप उसकी पल्प की बिक्री कर सकते हैं। पूरी यूनिट भी अधिक महंगी नहीं है, 15-16 लाख में सब मशीनें आ जाती हैं, उसको लगाकर भी आप इससे लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल है, कीमत ज़्यादा लगती है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो निर्यात होता है वो हस्तनिर्मित कागज़ का ही होता है। निर्यात की दृष्टि से भी हस्तनिर्मित कागज़ की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए हस्तनिर्मित कागज़ बनाने में कपास का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल को हम 3 समूह में रख सकते हैं। नंबर 1, कपड़े की कतरने। दर्जी के यहाँ से प्राप्त रेशा, खिरगी और सफेद कतरने, होजरी मिलों की कटिंग, नए पुराने बेकार कॉटन के कपड़े, जूट के पुराने बोरे आदि। नंबर 2, रेशे यानी फाइबर। मलबेरी, केला, नारियल के रेशे, भूसा, भांग की छाल के रेशे और कपास, रेशम, ऊन आदि। नंबर 3, रद्दी कागज। कार्यालयों की रद्दी, प्रेस मशीनों की कटिंग और पुरानी कॉपी, किताबें, कागज आदि। नंबर 4, मशीनें। हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन में कुछ मशीनों और टूल्स का उपयोग होता है, जैसे रैग, चॉपर, डाइजॉटर, बीटर, पल्पर, वैट और प्रेस मशीन आदि। टूल्स के लिए जाली, फ्रेम, टब, बाल्टी, छलना, वाइपर, गंबूज, दस्ताने, मास्क और पॉलिथीन कवर आदि। कैसे होती है हस्तनिर्मित कागज उत्पादन की प्रक्रिया? इस केंद्र पर कागज बनाने के लिए मुख्यतः होजरी मिलों की कटिंग, हॉस्पिटल के उपयोग के लिए पट्टियों की कटिंग और कार्यालयों से प्राप्त वेस्ट कागज का प्रयोग किया जाता है। अतः आज हम इन्हीं से कागज बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। पट्टियों और हौजरी की कटाई छटाई के बाद उन्हें रैग चॉपर मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। कच्चे माल में अगर रेशे का प्रयोग होता है तो यहाँ उन्हें डाइजेस्टर मशीन में पाचन क्रिया से साफ और मुलायम बनाया जाता है। इस तरह से तैयार होती है कागज की शीट। जिस उत्पाद मान के लिए कागज की शीट बनाते हैं उसी के अनुरूप ग्राम स्क्वायर मीटर के लिए पल्प पानी के टब में डालकर जाली फ्रेम के ऊपर कागज की लेयर ड्रिप विधि से सूखे कॉटन के कपड़े के साथ शीटों के रूप में उतारते हैं। इस काम के लिए पूर्ण प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। कागज की तैयार शीटों को मोटे ऊनी कपड़े या कंबल पर गट्ठर के रूप में रखा जाता है। इन शीटों में अभी भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए प्रेस मशीन से दबाकर अतिरिक्त पानी को निकाल दिया जाता है। इस तरह से शीटों को सुखाते हैं। हमारे देश में लगभग 300 दिन धूप निकलती है, जो इस उद्योग के लिए बहुत अच्छी बात है। इन शीटों को धूप में ही सुखाया जाता है। बारिश के समय इन्हें पंखे या ब्लोअर की गर्म हवा के माध्यम से सुखाया जाता है। इनका पूरी तरह से सूखना बेहद जरूरी है, नहीं तो खराब होने का डर रहता है। शीटों को चिकना बनाने की प्रक्रिया। अब बारी आती है शीटों को सुंदर और आकर्षक बनाने की। सूखने के बाद ये शीटें ऊबड़ खाबड़ होती हैं, इसलिए इन्हें कैलेंडर MC में रोलर्स के बीच से निकालकर चिकना और समतल किया जाता है। कटिंग मशीन। कैलेंडर की हुई शीटों के किनारे कटे फटे रहते हैं, इसलिए इन शीटों की कटिंग मशीन से की जाती है। अब हस्तनिर्मित कागज की शीटें काम में लेने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। यह हमारी हस्तनिर्मित कागज उत्पादन की जो इकाई है, यह उत्पादन के साथ साथ प्रशिक्षण का कार्य भी कर रही है। जो हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, एक सेमेस्टर के उनको 6 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनसे कागज़ बनवाया जाता है, सिखाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे परिजन फील्ड में हैं शक्तिपीठों के माध्यम से, वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या NGOs हैं, उनको हम 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, निशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था शांति कुंज में की जाती है। गौर करने योग्य मुख्य बातें। हस्तनिर्मित कागज उत्पादन इकाई ऐसे स्थान पर लगाई जाती है जहां कच्चा माल कम कीमत में मिल सके, बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो और तैयार शीटों को सुखाने के लिए खुली साफ जगह हो, मशीनों के लिए शेड या हॉल की व्यवस्था हो,
हस्त निर्मित कागज उद्योग की बात की जाए तो सभी आवश्यक मशीनें लगभग 15 लाख रुपए में लग जाएंगी। अगर पानी, बिजली और सड़क की अच्छी व्यवस्था हो तो इस इकाई से प्रतिदिन लगभग 200 शीटों का उत्पादन किया जा सकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के इस केंद्र में एक सप्ताह का हस्त निर्मित कागज उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद आप इसे लघु उद्योग के रूप में शुरू कर अपनी जीविकोपार्जन का साधन भी बना सकते हैं। हस्त निर्मित कागज उत्पाद प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।